नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। चंबल नदी में मृत अवस्था में पानी में तैरता मिला मगरमच्छ का शव, वन कर्मियों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। 9 फीट लंबा बताया गया है मगरमच्छ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव को। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद स्थिति होगी साफ। कैसे हुई है मगरमच्छ की मौत? घड़ियाल एवं मगरमच्छों का वन विभाग की देखरेख में हो रहा है चंबल नदी में संरक्षण। जी, चौकीदार द्वारा बताया जानकारी दी गई तो हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं, देखा उसको। अब अपने विभाग की टीम आ रही है, डॉक्टर साहब वगैरह आ गए, इसका पीएम वगैरह करेंगे, उसके बाद जो भी स्थिति होगी वो आपका में आ जाएगी। कितना लगभग पुराना हो सकता है ये? लगभग 7-8 दिन से ऊपर ही है। मौत का कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं है? अभी कोई स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता चलेगा जैसा भी होगा।